जींद प्रदेश के जींद समेत 15 जिलों में हुड्डा सेक्टर में प्लाट धारकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अब आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। इसके तहत 6 मई को हिसार में सरकार जगहों के नाम से राज्य स्तर रैली की जाएगी। इस रैली के बाद भी सरकार अनाउंसमेंट के मारे प्लाट धारकों की समस्या को लेकर नहीं जागी तो फिर सरकार भगाओ रैली होगी। अंत में सीएम के चंडीगढ़ या करनाल आवास पर पड़ाव डाला जाएगा। 6 मई तक इन सभी जिलों में हुड्डा के सेक्टरों के प्लाट धारक मुख्यमंत्री को 1,00,000 पत्र भी लिखेंगे। अनाउंसमेंट को हरियाणा में हुड्डा अधिकारियों की पैदाइश बताते हुए इसकी सीबीआई से जांच की मांग भी सरकार से की गई। बुधवार को जींद के उत्तम पैलेस होटल में हरियाणा के जींद, हिसार, रोहतक, रिवाड़ी, झज्जर, पानीपत, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद समेत 15 जिलों के हुड्डा सेक्टर में रहने वाले लोगों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। यह बैठक हुड्डा सेक्टर रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के बैनर तले हुई। इसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष यशवीर मलिक ने की। बैठक में कई घंटे तक एनहांसमेंट की मार को लेकर मंथन किया गया। इसमें कहा गया कि प्रदेश के 15 जिलों में एनहांसमेंट के रूप में 17,000 करोड़ रुपए की मार सेक्टरों में प्लाट धारकों पर डाल दी गई है। यह सरासर अवैध है, इसमें ब्याज भी शामिल है जिसे खुद अदालत अवैध बता चुकी है। बैठक में कहा गया कि यह सरकार सो रही है और इस सो रही सरकार को नींद से जगाने के लिए अब 6 मई को हिसार में राज्य स्तर की रैली की जाएगी जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग भाग लेंगे। इस रैली से भी सरकार नहीं जागी तो फिर सरकार भगाओ रैली होगी जिसमें भाजपा को वोट नहीं देने का आह्वान किया जाएगा। बाद में सीएम की या चंडीगढ़ करनाल स्थित आवास के बाहर पड़ाव डाला जाएगा। 6 मई तक प्रदेश के इन सभी 15 जिलों में हर सेक्टर के हर घर से लगभग 1,00,000 पत्र सीएम को भेजे जाएंगे। यह पत्र एक पोस्ट कार्ड पर होंगे। जींद से ऋषि मेहंदीरत्ता, आजाद टीवी न्यूज। अब हमने कहा कि 20,000 लोग वहाँ रैली में जाएंगे इस साल। उसके बाद जब सरकार हटाओ होगी तो कम से कम भी 1,00,000 लोग सड़कों के ऊपर निकलेंगे और वो फैसला लेंगे कि भाई इतने दिन तक भी सरकार नहीं चाहिए थी लोगों के आंदोलन के बाद, तो उस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर जो सरकार बनती है लोकतंत्र में लोगों के द्वारा बनाई जाती है, लोगों की भावनाओं को समझे। अगर नहीं समझती है बार बार आंदोलनों से भी तो सरकार को रहने का काम नहीं। हम फैसला लेंगे कि भाई सरकार को नहीं रहने देंगे, इसके खिलाफ वोट करेंट का अवार्ड है वो 200-300 रुपए से ऊपर कभी नहीं होता है। दूसरा, सरकार ने यह कहा है कि बस 600 रुपए स्क्वायर मीटर तक अगर इन्हांसमेंट आती है इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर तो वो गवर्नमेंट वहन करेगी। तो हमारी मांग है कि 600 रुपए तक की अगर इन्हांसमेंट आती है तो गवर्नमेंट वहन करे और 1 रुपया ब्याज का हमारे ऊपर ना लगे। इससे साफ जाहिर है कि हमारे ऊपर इन्हांसमेंट आती ही नहीं है। इन्हांसमेंट नाम का वर्ड खत्म होना चाहिए। 7 दिन के हमारे धरने जो पूरे हुए, पहला चरण पूरा हुआ, सरकार ने कोई रिस्पांस नहीं दिखाया। संवेदनहीन हो गई है सरकार। हमने फैसला लिया कि सरकार को जगाने के लिए सरकार जगाओ रैली सेक्टरवासी करेंगे जो 6 तारीख को 6 मई को हिसार में होगी। उससे पहले हम 1,00,000 लेटर्स पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री के नाम रेजिडेंट, हर शहर के रेजिडेंट सेक्टरवासी उनके नाम भेजेंगे और आशा करेंगे तब तक भी सरकार अपने संवेदनशीलता दिखाए और इस जो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, जो लगातार मांग हो रही है, उसको दूर करे। अगर नहीं करती है तो हम सरकार जगाने का काम करेंगे 6 तारीख को हजारों की संख्या में, जिनकी संख्या 20,000 से भी ऊपर जाएगी।